हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन। जिदा थोनू सारियां नू पता ही है कि पंजाब पीसीएस मीनस आंसर राइटिंग सीरीज़ है जिहड़ी आपां चल रही हैगी है, उस सीरीज़ नू कंटिन्यू करदे होए अज दा अपना लैक्चर है जिहड़ा मेन्स का एक पी वाई क्यू है जिहड़ा डिस्कस है वह आप करांगे। इस तो पहला वाले लैक्चर अगर तुसी नहीं देखे है तो चैनल दे विच प्लेलिस्ट दे विच तुसी जाके उन्हां सारे क्वेश्चन्स नू देख सकते हैगे हो। उन्हां दे विच आपां ने स्टार्टिंग तो समझिया हैगा कि किद्दां आपां नू शीट मिलेगी, किद्दां आपां बेसिक जिहड़े पॉइंट्स ने उन्हां दा ध्यान रखना हैगा क्वेश्चन नू राइट करदे टाइम। ठीक है जी, तो तुसी उत्थे वो वीडियोज़ देख सकते हैगे हो। तो अज दा जिहड़ा अपना क्वेश्चन हैगा जी, उहनू चलदे हैगे आ डिस्कस करन। तो अज का जिहड़ा क्वेश्चन हैगा है उहदा नाम क्वेश्चन रीड करते हैं, इन द पोस्ट इकनोमिक रिफॉर्म्स, पोस्ट इकनोमिक रिफॉर्म्स की गल की हुई है, द स्लो डाउन ऑफ द एग्रीकल्चर सैक्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के एग्रीकल्चर सैक्टर के उपर कहा गया कि स्लो डाउन जो होया हैज़ इंपैक्टेड, वो इंपैक्ट होया एंड रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ अदर सैक्टर। अगर कहा गया, देखो सब तो पहला पोस्ट इकनोमिक रिफॉर्म्स की गल की हुई है तो थोड़ा पता होना चाहिए कि पोस्ट जो इकनोमिक रिफॉर्म पीरियड केड़ा सेगा जो अपने एल पी जी इंट्रोड्यूस हुए है, मतलब 1991 तो बाद वाला पीरियड सेगा जिहड़ा, और उदे विच की होया एग्रीकल्चर दे विच कहिंदा स्लो डाउन होया ऑफ पंजाब, जिदे नाल इंपैक्ट और रिस्ट्रिक्ट होया ग्रोथ ऑफ अदर सैक्टर ऑफ द इकोनमी, जिदे नाल बेसिकली की रिजल्ट निकलिया, जिदे नाल मार्जिनलाइजेशन हुई ऑफ स्टेट इकोनमी, स्टेट की जिहड़ी इकोनमी है वह स्लो डाउन हुई। तो ये आपां नूं की किया होया कि आपां ने एग्जामिन करना हैगा क्रिटिकली, क्रिटिकली एग्जामिन करना हैगा मीनस आपां सब कुछ ही दसांगे कि उस टाइम दे विच की सनैरियो सीगा, गवर्नमेंट दे द्वारा किहड़े किहड़े इनिशिएटिव ले गए, और आपां इस नूं कंक्लूड भी करांगे और वे फॉरवर्ड भी क्वेश्चन नूं है जिहड़ा वह करांगे। तो बेसिक सारियां चीज़ां फस्ट क्वेश्चन च आपां ने समझिया सीगा कि बॉडी की हुंदी है, इंट्रोडक्शन की हुंदी है, वे फॉरवर्ड की हुंदा, ये सारियां चीज़ां तुसीं फस्ट क्वेश्चन नूं जाके देख सकते हैगे हो। क्लीयर, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हुण देखो पंजाब दे एग्रीकल्चर सैक्टर की स्लो डाउन बारे जिहड़ी गल है वह की हुई हैगी है, तो आप पहला स्टार्ट करांगे अपनी इंट्रोडक्शन दे विच जिहदे विच आपां एग्रीकल्चर सैक्टर नूं डिफाइन करांगे। तो देखो पंजाब की हैगा एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनमी हैगी, आपां नूं सब नूं ही पता हैगा, और हिस्टोरिकली पंजाब नूं की बोलिया जाता हैगा, ग्रीनरी ऑफ इंडिया पंजाब नूं जिहड़ा वह बोलिया जाता हैगा, ये पुराने टाइम तो ही बोलिया जाता हैगा। अगे देखो जदों ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया दे विच आया तो स्टार्टिंग्स तुहानूं पता होएगा कि पंजाब कुछ स्टेट्स दे विच इस नूं इंप्लीमेंट किया गया सीगा और पंजाब भी उन्हां स्टेट्स दे विचों इक सीगी। तो बेसिकली उस टाइम दे विच 81.67% जिहड़ा लैंड सीगा उह किहदे अंडर लैके आंदी गई, एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन। हुण गल आंदी है कि यह सारा डाटा आपां नूं कित्थों पता चलिया हैगा, यह सारा डाटा आपां नूं इकनोमिक सर्वे ऑफ 2023 तो है जिहड़ा वह पता चलिया हैगा। तो देखो जिवें हुण तुसीं कोई भी इत्थे स्टैट मैनशन करदे हैगे हो या कोई भी डाटा है जिहड़ा मैनशन करदे हैगे हो तो उहदा की सोर्स हैगा वह तुसीं नाल जरूर मैनशन करना हैगा, आपां सीधा ही एवें नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जिवें लिखिया होया आपां ने कि 82% दे नियर अबाउट जिहड़ा अपना ग्रीन रेवोल्यूशन दे अंडर यह एरिया रहा सीगा अपना कल्टीवेशन दे लिए, यह आपां नूं कित्थों पता चलिया इकनोमिक सर्वे ऑफ 2023 तो। क्लियर, चलो अगे देखते हैं गया। बट आफ्टर पोस्ट इकनोमिक रिफॉर्म जो 1991 दे विच एल पी जी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए तो सैवरल फैक्टर्स एमरजेस दैट ब्रॉड स्लो डाउन इन द एग्रीकल्चर, तो बहुत सारी इदा दीज़ा हुई हैं, कुछ इदा के फैक्टर अराइज हुए जिदे बेसिकली की होया एग्रीकल्चर सैक्टर है जोड़ा स्लो होया। जे एग्रीकल्चर सैक्टर है जोड़ा स्लो डाउन होया तो बेसिकली अदर चीज़ा अदर सैक्टर्स आप कह सकते हैं लाइक इंडस्ट्री सैक्टर हो गया, सर्विस सैक्टर हो गया, इंप्लॉयमेंट, इन सारिया के उपर भी की पिया हैगा इंपैक्ट पिया हैगा। तो यह आपने बेसिक एक की कर दिता, इनू इंट्रोड्यूस कर दिता हैगा क्वेश्चन। हुण देखो क्योंकि अपने पास गल किस चीज़ की की हुई है, अपने पास स्टेट की इकोनमी की गल की हुई है कि यह मार्जिनलाइजेशन हुई हैगी है, तो अपने स्टेट की इकोनमी किदा डाउन दे विच गई, किहड़े किहड़े सैक्टर अपने होंदे हैगे ने, उहदे विद रिस्पैक्ट अपने पॉइंट्स ने जिहड़े बॉडी च कंक्लूड करने ने। हुण देखो अगर तुसीं इकोनमी पढ़ी होएगी तो तुहानूं पता होएगा कि इकोनमी बेसिकली की करदी हैगी, तीन सैक्टर के उपर बेस करदी हैगी है। मेन आपां सैक्टर पढ़ते हैं, पहला सैक्टर एग्रीकल्चर जिसनों प्राइमरी सैक्टर भी बोलते हैगे, सैकेंड सैक्टर अपना इंडस्ट्रियल सैक्टर भी होंदा है, तीसरा अपना केड़ा हैगा जी अपने पास सर्विसेज सैक्टर। तो हुण आपां इन्हां तीनों सैक्टर्स नूं की करांगे यूज करांगे अपने क्वेश्चन दे विच, ते आपां दसांगे कि एग्रीकल्चर स्लो डाउन होने दे नाल इन्ने जिहड़े इह तीन सैक्टर ने इन्हां दे उपर की है जिहड़ा इंपैक्ट पिया। बेसिकली एग्रीकल्चर सैक्टर तो स्लो डाउन हो गया तो एग्रीकल्चर सैक्टर नूं आपां इंडस्ट्रियल सैक्टर दे नाल भी जोड़ांगे एंड अपना सर्विसेज सैक्टर दे नाल भी जोड़ांगे। हुण देखो इस तों बिना इकोनमी दे विच होर की चीज़ां इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट होंदियां ने लाइक इंप्लॉयमेंट, तो ये किदे उपर इंपैक्ट पेगा, इंप्लॉयमेंट के उपर भी इंपैक्ट पेगा। जे इंप्लॉयमेंट होएगी तो अपने पास सोशल डिवाइड है जरा वो हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके क्वेश्चन है जरा माइंड कर लेना है, स्ट्रक्चर है जरा कर लेना है, ये ध्यान रखते हुए इतने की है जरा पूछा गया है। हूँ स्टेट की इकोनमी बारे गल की है, तो इकोनमी कि मेजर तीन ही सैक्टर आते हैं, उसके एग्रीकल्चर स्लो डाउन होया, स्लो डाउन अपने कनैक्ट करना है इंडस्ट्रियल सैक्टर के नाल, और स्लो डाउन अपने कनैक्ट करना है सर्विसिज सैक्टर के नाल। जो सब कुछ स्लो डाउन होगा ऑब्वियसली अनइंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जी राइज होएगी, सोशल डिवाइड होएगा। तो इस तरीके दे नाल एक रफ स्ट्रक्चर है, देखो अपने पहला ही माइंड की कर लिया है, इदा तुसी तैयार है जरा करना है। क्लीयर, चलो हुण आपां अगे देखते हैं। तो सब तो पहला जो 1991 एल पी जी इंट्रोड्यूस होया है, तो उस तो बाद बेसिकली की होया, एग्रीकल्चर सैक्टर के उपर लैस इनवैसटमेंट शुरू होगी। तुम्हें पता होगा एल पी जी की सगा कि जिहड़ियां प्राइवेट फॉर्म्स है उन्होंने इकोनमी के होएगा एंटर कर दिता जाएगा। हुण क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन वाली साइड मूव कर रहे हैं, तो वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियां लगियां, सरकार ने उन्होंने प्रियोरिटी दी हैगी, उन्होंने स्पैसीफिक लोनस जोड़े दते हैं, तो उस वजह के करके की होया जिहड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर वो की हो गया एक तरीके नाल इग्नोर हो गया। देखो की लिखा होया, कहिंदा पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू इनक्रीज, की होया पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दे विच इनक्रीज्ड की होया प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली सरकार ने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया ते प्राइवेट फर्म्स ने, लोन डिस्ट्रीब्यूशन होया फॉर प्रॉफिटेबल सैक्टर के लिए, ऑब्वियसली जे प्राइवेट प्लेयर इकोनॉमी दे विच एंटर करनगे तो वह किस चीज़ के लिए अपने वाल प्रैफर करनगे, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिटेबल सैक्टर वाली साइड है जिहड़ा ध्यान दिता गया, लाइक हैवी मशीनरी सैक्टर हो गया, इंडस्ट्री सर्विस लाइक टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल सर्विसिज लेड टू निगलैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर। हूँ क्योंकि आप दूसरिया चीज़ों वाली साइड है जिहड़ा ध्यान दे रहे हैगे, तो उहदे नाल जिहड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर है वह की हो गया, निगलैक्ट हो गया या इग्नोर हो गया इन इंडिया और इन पंजाब ऑलसो, और पंजाब दे विच भी वो चीज़ की होगी जिहड़ी नीचे चली गई। क्लीयर, तो पहला तो आप इस तरीके दे नाल डिफाइन कर सकते हैगे कि जिहड़े पोस्ट इकनोमिक रिफॉर्म्स तो बाद एग्रीकल्चर के उपर है जिहड़ा सरकार का ध्यान है जिहड़ा हट गया, नवे प्राइवेट प्लेयर ने जिहड़े मार्केट के एंटर करन लगे, सरकार ने उन्होंने लोन प्रोवाइड किए जिहदे नाल एग्रीकल्चर सैक्टर है जिहड़ा इग्नोर है वो हो गया है। क्लीयर, चलो हुण आपां अगे देखते हैं नॉन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। हुण देखो की होया, कहिंदा नैक्सट पॉइंट नूं समझदे आपां, इंडस्ट्रीज एस्टैबलिश इन पंजाब। हुण जिहड़ियां पंजाब दी इंडस्ट्रीज सीगियां वो मेनली बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सीगियां। ठीक है, उस टाइम दे विच पंजाब दी जिहड़ियां इंडस्ट्रीज सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सीगियां कीड़ियां, हुण कल्लियां आपां एवें कह के नहीं सारांगे, तां आपां नाल लिखांगे भी कीड़ियां, लाइक टैक्सटाइल होगी, बैवरेज इंडस्ट्रीज होगी। हुण जिहड़ियां इह दोनों इंडस्ट्रीज ने वो बेसिकली किहदे नाल जुड़ियां होईयां ने, इह अपना एग्रीकल्चर दे नाल जुड़ियां होईयां ने, और एग्रीकल्चर दी जिहड़ी पोजीशन है उस टाइम दे विच की होगी, डाउनफॉल होगी। जदों एग्रीकल्चर नीचे आ गया तो ऑब्वियसली जिहड़ियां इह इंडस्ट्रीज ने वह वध फुलन ही नहीं सकनगियां। सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और देखो हूँ डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्री, हूँ ये इंडस्ट्रीज बेसिकली अपनी डेवलपमेंट के लिए किदे उपर डिपेंड कर दिए ने, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। हूँ देखो इतने की लिखा होया, एज अ यूनिट राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक यूनिट अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के विच राइज होएगी रिजल्ट्स, वो 1.8 यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के भी राइज होणगे। तो मतलब एक तरीके दे नाल आपां ने इस चीज़ के नाल कनैक्ट कर दिता कि इसनों एग्रीकल्चर सैक्टर और इंडस्ट्रियल सैक्टर। हुण ये डाटा आपां ने कित्थों लिया, ये डाटा आपां ने इकनोमिक सर्वे 2023 दे विच जिहड़ा देखिया हैगा या पढ़िया हैगा। क्लीयर, तो तुसीं नाल इत्थे मैनशन है जिहड़ा करोंगे। अच्छा, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब दे विच वेयरहाउस फैसिलिटीज़ नहीं सीगियां प्रॉपर, स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स ज़्यादा सीगे। ठीक है, लैक ऑफ स्किल सीगी फार्मर्स दे विच, और लेसनिंग सॉयल प्रोडक्टिविटी। हुण देखो पंजाब दी जिहड़ी सॉयल प्रोडक्टिविटी है शुरू तो ही बहुत घट रही हैगी आ, उहदा कारण की हैगा, उहदा कारण हैगा ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का ओवर यूज़ करना। इस तो बिना आप कह सकते हैं मोनोक्रॉपिंग, लिखा ही होया जी मोनोक्रॉपिंग, इनडायरैक्टली नैगेटिव रिजल्ट ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सी, जिदे नाल की होया एग्रीकल्चर डाउनफॉल आया, और उहदे नाल किहदे उपर इंपैक्ट पिया, अपने इंडस्ट्रियल सैक्टर के उपर भी इंपैक्ट पिया, जिदे नाल अपनियां जिहड़ियां इंडस्ट्रीज ने वह डैवलप हो ही नहीं पाईआं। क्लीयर, तो इस तरीके दे नाल आपां ने कनैक्ट करना हैगा कि डाउनफॉल ऑफ एग्रीकल्चर किवें कनैक्टड हैगा विद इंडस्ट्रियल सैक्टर के नाल। क्लीयर, चलो अच्छा अगे देखते हैं।
नेसेंट स्टेज ऑफ सर्विसिज सैक्टर। हुण देखो सर्विसिज सैक्टर की जिहड़ी उस टाइम दे विच स्टेज सी ओह बिगनिंग सीगी, इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग ही सीगी। तो एज पर द डाटा इकनोमिक सर्वे 2023 पंजाब अ यूनिट राइज इन एग्रीकल्चर, अगर एक यूनिट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे विच राइज हुंदी है, रिजल्ट इन 1.4 यूनिट राइज इन सर्विसिज प्रोडक्ट। हुण क्योंकि अपना एग्रीकल्चर सैक्टर ही डाउनफॉल हो रहा हैगा, तो सर्विसिज नूं आपां सर्विस सैक्टर नूं आपां किद्दां इंप्रूव कर सकते हैगे आ। और बेसिकली उस टाइम दे विच हैगा भी बिगनिंग स्टेज दे विच सीगा, बट ड्यू टू सबस्टेंस नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब पीपल वर नॉट एबल टू स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग की सीगे एग्रीकल्चर दे नाल ही जुड़े हुए सीगे, तो ज्यादातर लोग एजुकेशन दे उपर स्पेंड है जड़ा नहीं करते, ना स्किलिंग वाल ध्यान देंदे सीगे, ना अपस्किलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड सर्विसिज सैक्टर रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ सम MNC। तो जिदे नाल की होया कि जिहड़ा सर्विसिज सैक्टर सीगा कुछ MNC दे हद दे विच ही रहा। नॉन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट नहीं सीगा उस टाइम च, प्रॉपर डिजिटल एजुकेशन नहीं सीगा, तो इस तरीके दे बहुत सारे फैक्टर सीगे जिदे नाल बेसिकली की होया अपना जिहड़ा सर्विसिज सैक्टर है वह की नहीं हो पाया, डेवलप है जिहड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक वड्डा कारण क्यों सीगा, क्योंकि पंजाब दे जिहड़े लोग सीगे उह ज़्यादातर किहदे विच इनवॉल्व सीगे, एग्रीकल्चर दे विच। ठीक है जी, क्योंकि लोग किसनों प्रैफर करते सी, एग्रीकल्चर नू। क्लियर, चलो अच्छा हुण अगे हुण जदों आपां तीनों सैक्टर नू की कर लिया हैगा, डिस्कस कर लिया, तो फोर्थ अपना इंपॉर्टेंट जिहड़ा कॉम्पोनेंट हैगा वह हैगा अनइंप्लॉयमेंट। हुण की होया जिहदे नाल अनइंप्लॉयमेंट वध गई है, एज द एग्रीकल्चर बिकेम लैस प्रॉफिटेबल पीपल शिफ्ट टू अदर सैक्टर फॉर लेबर इन इंडस्ट्रीज। हुण की होया एग्रीकल्चर सैक्टर डाउनफॉल होया, जिदे नाल प्रॉफिट घटिया, जिदे नाल लोग की होए लेबर फोर्स विच पार्टिसिपेशन करनी शुरू कर दी थी इंडस्ट्रीज दे विच, जॉब्स इन या फिर अदर सैक्टर, बट आइदर लैस कपैसिटी टू ऑब्जर्व सच लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स और ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसिज एंड द स्किल ऑफ पीपल ऑफ पंजाब। हुण देखो पहली गल, पंजाब दी एग्रीकल्चर च डाउनफॉल होया, ठीक है जी, तो लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया, लेबर वर्कफोर्स दे विच पार्टिसिपेट शुरू कर दिता करना, बट एनी ह्यूज जिहड़े लोग सीगे उन्हां नूं ए सैक्टर है जिहड़ा इंडस्ट्रियल सैक्टर भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया। सर्विसिज सैक्टर दे विद रिस्पैक्ट अगर आपां कंपेयर करिए तां लोकां दे विच एनी एजुकेशन नहीं सी, एनी स्किल नहीं सी, तां ओह वाले सैक्टर दे विच भी लोग है जिहड़े ज़्यादा इनवॉल्व है वह नहीं हो पाए, जिहदा रिजल्ट की निकलिया बेसिकली की होया अनइंप्लॉयमेंट है जिहड़ी पंजाब दे विच वधी, और इस तों बिना माइग्रेशन होण लग्गिया फ्रॉम पंजाब टू ब्रेन ड्रेन, लोग कितने मूव करन लगे। अज दे टाइम भी आपां देखदे हैगे आ कि जिहड़े बच्चे हैगे ने कितने मूव कर रहे ने फॉरन, ठीक है, ब्रेन ड्रेन जिहड़ा होने लग गया है। क्लीयर, तो इदा करके तुसी नाल कनैक्ट करना हैगा किदा ये सारे सैक्टर के नाल की रिजल्ट निकलिया, की सनैरियो से जिदे नाल की हुई अपनी अनइंप्लॉयमेंट है जिहड़ी वह इनक्रीज है वह हुई हैगी। क्लीयर, हुण देखो जदों अनइंप्लॉयमेंट वधी तां ऑब्वियसली सोशल इनइक्वैलिटी या सोशल डिवाइड है जिहड़ा वह हो गया, मतलब ड्यू टू नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, तो सोसाइटी वध गई, जिहड़ी सैलरीड क्लास सीगी वह तो रिच होंदी गई, और जिहड़े पुअर पीपल लाइक फार्मर सीगे वह होर भी ज़्यादा गरीब होंदे गए, जिहदे नाल बेसिकली की होया सोशल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, हेटेडनैस इन सोसाइटी एंड डिवाइड इन रूरल एंड अर्बन एरिया। बेसिकली सोशल डिवाइड किवें होया, रूरल एंड अर्बन एरिया दे विच भी सोशल डिवाइड है जिहड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जिहड़ी सैलरीड क्लास सीगी या फिर रिच पीपल सीगे किस साइड मूव करन लग गए, वो अर्बन एरिया ऑफ पंजाब वाली साइड है जिहड़ा मूव करन लग गए। क्लियर, हुण क्योंकि आपां ने इस क्वेश्चन नूं क्रिटिकली एग्जामिन करना हैगा, तां तुसीं इत्थे कुछ पॉइंट्स होर नीचे ऐड करोगे कंक्लूड करन तों पहलां कि सरकार ने ए नहीं कि कुछ कीता नहीं हैगा, तां सरकार ने बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां उस टाइम कीते ने, लाइक तुसीं एग्जाम्पल दे सकदे हैगे हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जिहड़ियां बनाईआं गईआं, जिन्हां ने की कीता लोन प्रोवाइड कीते, ठीक है, एग्रीकल्चर सैक्टर दे लिए प्रायोरिटी दे अंडर रख्या गया इसनूं, और लोन प्रोवाइड कीते भी सरकार ने अपने वल्लों इसनूं इंप्रूव करन दी या सही करन दी जिहड़ी कोशिश है उह कीती हैगी है। अच्छा, उस तों बाद आपां कंक्लूड किदा करांगे, कंक्लूजन आपां ने बेसिकली इत्थे नहीं लिखना हैगा, वी कैन से दैट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर इज अ बेड रॉक ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ पंजाब सोसाइटी। हुण देखो कोई भी जिहड़ा देश हैगा, चाहे कोई स्टेट है चाहे कोई देश है, वह डेवलप्ड किदा बनता हैगा एग्रीकल्चर सैक्टर के उपर, सब तो पहला जिहड़ा वर्क है वह एग्रीकल्चर सैक्टर के उपर ही करना पएगा। फूड दे विच अगर आपां अपने आप नूं सैल्फ सफिशेंट बना पावांगे तां ही आपां किसी दूसरे सैक्टर वाली साइड है जिहड़ा ध्यान दे पावांगे। क्लीयर, तो यह चीज़ याद रखनी हैगी आ, तो इसलिए एग्रीकल्चर जिहड़ा हैगा वह बेडरॉक हैगा है अपना ओवरऑल ग्रोथ ऑफ पंजाब, चाहे अदर कोई कंट्री भी हो सकती है। एंड इकोनमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पंजाब शुड टेक स्पेसिफिक मेजर इन मेकिंग एग्रीकल्चर
ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਲਾਈਕ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੋਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਈ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਟੋਕ ਸੈਕਟਰ ਆਰ ਵਾਇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਉਹ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਕਲੂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।